जन्म से नीच और कुबति नहीं होता, मनुष्य के केवल विचार ही काम आते हैं माँ। हाँ, मैं सब समझ गई, मैं सब समझ गई। बैठो, बैठो ना राम, बैठो। ठीक है माँ। राम, कहो, शबरी की राह ढूंढने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? यहां तो आना ही था मां, कष्ट का क्या मोल? तुम्हें पता है राम, तुम्हारी प्रतीक्षा मैं तब से कर रही हूं जब से तुम जन्मे भी नहीं थे। ये भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कहां हो,
आओगे मेरे पास, कैसे दिखते हो? बस इतना ज्ञात था कि कोई मर्यादा पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। इसीलिए तो मेरे जन्म से पहले ही ये तय हो गया था कि राम को सबरी माँ के आश्रम में जाना है। राम, तुम्हें एक बात बताती हूँ, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मर्जर भाव। मुझे पता था तुम जब जरूर आओगे, तुम्हें क्या पकड़ना। सोच रही हूँ कि बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है, नहीं तो कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण की मैं, कहाँ तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, और कहाँ मैं इस वन की एक छोटी सी भीलनी, निचली जाति की। अगर रावण का वध ना करना होता तो क्या तुम आते? माँ, भ्रम में न पड़ो माँ, क्या राम रावण का वध करने आया है? तो क्या मेरे प्रभु केवल मुझसे मिलने आए हैं? हाँ माँ, राम वन में आया है ताकि भविष्य याद रखे कि माताओं की इच्छा को पूरा करना राम होना है। राम वन में इसलिए आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि रावण से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में रह रही मां सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। राम वन में आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही राम होना है। राम वन में इसलिए आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि देश में रहने वाले उसके दुश्मनों को, जो विदेश में बैठी उसकी सरपुंठाओं की जात काटी जाए और खारदूसरों का घमंड तोड़ा जाए। हाँ, मैं सब समझ गई। ये बताओ, कुछ खाओगे? बहुत भूख लगी होगी ना? खाए बिना जाऊंगे भाई माँ। बहुत नटखट हो गए हो राम। मैं अभी आई। देखो, मेरे पास तुम्हारे रघुकुल जैसा भोजन तो नहीं है, किंतु ये बेर पड़े हैं, मीठे हैं, ये खाओगे? हाँ माँ। बैठो। राम भक्त वह भीलनी। मीठे है ना राम? यहाँ आने के बाद माँ मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ, बस इतना पता है कि यह अमृत है। अब मैं चक्कर देती हूँ। शबरी जिसका नाम, जिसके झूठे बेर को प्रेमवश खाए प्रभु राम, आज सुने हम सब मिलकर उसकी प्रेम कहानी। मतंग ऋषि की वह शिष्या, गुण में बड़ी सयानी, प्रभु भक्ति की लगन से शक्ति उसने जगाई थी। यदि इन बेरों का स्वाद ले लिया हो तो आगे की सुध लें। माँ, कहाँ जाना है प्रभु? हम दोनों भाई वानर राज सुग्रीव की खोज में आए हैं। सुग्रीव? हाँ। महाराज सुग्रीव यहाँ से कुछ दूर एक किष्किंधा पर्वत पर रहते हैं अपने साथियों के साथ। आप लोग शीघ्र उनके पास चले जाइए, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। ठीक है माँ, अब आप हमें आज्ञा दे माँ। हाँ राम, तुमसे मिली अब मैं भी अपना तन त्याग कर
गुरु के धाम चली जाऊंगी। माँ तुम महान हो। आओ लक्ष्मण। जाति गीन अघि जन्म मही मुक्ति कीन अस नारी। और इस तरह उस मां शबरी से सुग्रीव का किष्किंधा पर्वत का राह रास्ता पाकर प्रभु बढ़ चले उस ओर। किंतु विधि ने तो वहां कुछ और ही रचा हुआ था। वहां वो थे उन प्रभु की राह देख रहे थे जिन्हें हम बजरंग बली पवन सुत हनुमान कहते हैं। वह जिनकी एक आज्ञा पूरी धरा पर श्री राम के शब्द रूप ले लेती है। जो लाल देह लाली लसें अरुधर लाल लंगूर की कल्पना के साथ हम सबके जीवन में विचरित होते हैं। जिनकी धरा पे आज भी उपस्थिति है क्योंकि श्री राम का आशीर्वाद था उनके साथ कि वे जब तक इस धरा पर प्रभु राम का नाम रहेगा तब तक वे इस धरा पर रहेंगे। और इसीलिए हम सब प्रतिदिन उन बजरंग बली का आवाहन करते हैं। उन पवन सुत हनुमान को अपने घर में बुलाने के लिए उस हनुमत वचन का पाठ करते हैं जो किष्किंधा पर आज प्रभु राम की प्रतीक्षा तो कर रहे हैं किंतु सबसे पहले हम उन प्रभु को चाहेंगे कि वे आशीर्वाद दें जिससे हमारे जीवन में सुखद सवेरा आए। और इसीलिए हम कहते हैं लाल देह लाली लसें अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। और सच में किसी भी बुरी आत्मा कष्ट और किसी भी कष्ट को क्षण में हरने वाले वो पंचमुखी रुद्र स्वरूप हनुमान जिनके उस रुद्र रूप के लिए और बचपन की उस कथा को सुनने के लिए जब उन्होंने उस फल को समझकर खा लिया था तब उस रूप के लिए हम और आप विचरणशील रहते हैं। और अब प्रभु श्री राम जब बढ़ चले उस वन की ओर तो श्री बजरंग बली की स्थापना और बजरंग बली जो नाम से अर्थ बताते हैं अर्थात जिनमें वज्र सी ताकत है जो हर रंग में हमें स्वीकार है और जिनका वो सूर्य का रंग वह क्षण हम सबको उगते सूर्य की याद दिला जाता है। किंतु उससे पूर्व श्री राम पहुंचे उस वन में जहां बंधे थे कबंध कबंध वो रूप वह रूप जो देव रूप होते हुए अचानक वृक्ष में परिवर्तित हो गया था। किंतु कबंध को जीवन का वह स्वरूप देकर प्रभु श्री राम अब चले उस ओर जहां हम स्थापना करेंगे उस आवाज के साथ बोलो पवन सुत हनुमान की जय। आवाज उतनी बुलंद कि बजरंग बली स्वयं आपके साथ आकर बैठ जाएं पधार जाएं। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बजरंग बली की जय। आइए स्थापना करें और हाथों की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुल सुधार बरि नम रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह हरह कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर राम दूत अतुलित बलरामा अंजन पुत्र पावन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणीयत चातुर राम काज कर देखो आतुर प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया जीवन लखन जियाए शीर वीर हर शिव लाए रघुबर दीनी बहुत बढ़ाई तुम प्रिय भरत ही संभाई राम मिलाए राज बदीना तुम रो मंत्र।